Assalamualaikum everyone, hopes you are all doing well and safe at your home. Students have a nice and blessed day. Today we will start our today's lesson, so open your notebooks and read it. अपनी नोटबुक्स ओपन करें और उसको रेडी करें. टू फिंगर्स के गैप से मार्जिन लाइन ड्रॉ करें. पेज के लेफ्ट साइड पे डे मेंशन करें. टुडे द डे इज ट्यूसडे एंड डेट इज 4/5/2021. सेंटर में क्लास वर्क मेंशन करें. लेसन नंबर टू है आपका आर विलेजेस. ठीक है, आज हम डिक्टेशन पैराग्राफ करेंगे. सो फर्स्ट डिक्टेशन पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं. नंबर वन है आपके पास द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स एंड लुक्स आफ्टर द नीड ऑफ पीपल. जो गांव की पंचायत होती है वो गांव के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है. ठीक है, और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती है. इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स. और ये उनके झगड़े जो है वो सॉर्ट आउट करती है, तय करने में उनकी मदद करती है जो पंचायत होती है. ठीक है, एक पैराग्राफ आपका ये है डिक्टेशन के लिए. सेकंड पैराग्राफ है मोस्ट ऑफ द विलेजेस विलेजेस हैव ओनली वन और टू वेल्स. ज़्यादातर गांव में जो है दो या एक जो है वो कुएँ होते हैं. ठीक है, विलेज वुमेन डू द टायरसम रूटीन एंड ड्यूटी ऑफ फेचिंग वाटर फ्रॉम दीज. अब जो विलेज वुमेन होती हैं वो क्या करती हैं कि पानी की तलाश में वो फिर इन कुओं के पास जाती हैं और फिर वहाँ से जो है वो पानी लेकर आती हैं. ठीक है, ये आपके दो डिक्टेशन पैराग्राफ थे और इनको आपने अच्छे से लर्न करना है. अब हम करेंगे ट्रांसलेशन पैराग्राफ. ठीक है, सो ओपन योर बुक्स और बुक पे जो है वो अपने आप डेट एंड डे मेंशन करें. आज के आपके दो ट्रांसलेशन पैराग्राफ कौन से हैं. पेज नंबर जो है वो आप ओपन करेंगे 16. ठीक है, 16 और 17. 16 पे आपके पास पैराग्राफ नंबर 3 है. ठीक है, यहाँ पर आप निशान लगाएं. यहाँ से विलेज अविलेज से लेकर लिव्स इन विलेजेस. ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपका एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ है. सो इसको रीड आउट करते हैं. अ वुमेन अ विलेज इज अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस. इन अ विलेज Life is refreshing and inspiring as there is no noise and rush. Or Pakistan is a land of villages. Almost 70 of our total population lives in villages. ठीक है, अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. ठीक है, गांव एक पुर अमन पुरसकून और सुकूत वाली जगह होती है. अ विलेज इज अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस. गांव जो है वो एक पुरसकून एक पुरामन और सुकूत वाली जगह होती है. गांव एक पुरामन पुरसकून और सुकूत वाली जगह होती है. गांव में ज़िंदगी फरहत बख्श और मुतासिर कुन होती है क्योंकि वहां कोई शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता. पाकिस्तान जो है वो देहातों की सरजमीन है. आपको पता है ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी गांव की रहने वाली है. सो पाकिस्तान क्या है, देहातों की सरजमीन है. यहाँ आबादी का तकरीबन 70% या 70% हिस्सा देहातों में रहता है. सो हमारी पॉपुलेशन का 70% जो एरिया है वो हमारे विलेजर्स के पास हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ हो गया. अब हम सेकेंड वाला करेंगे. अब पेज नंबर 17 ओपन करें और यहाँ पर आपके पास ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 2 है. द विलेज पंचायत से लेकर सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स. ठीक है, यहाँ तक आपका ट्रांसलेशन पैराग्राफ है. द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल. इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स. ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं, तर्जुमा क्या है. गांव की पंचायत गांव के लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करती है और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है. ये इनके झगड़े तय करने में मदद करती है. ठीक है बेटा, ये आपके दो ट्रांसलेशन पैराग्राफ और दो डिक्टेशन पैराग्राफ हो गए. अब हम इसका बुक वर्क करेंगे. सो पेज नंबर 19 ओपन करें और इस यहाँ पर आपके पास बुक वर्क है आपका लेसन नंबर 2 का. यहाँ पर आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट. आपने यहाँ स्टेटमेंट में जो है वो करेक्ट ऑप्शन फिल करनी है.
नंबर वन आपके पास स्टेटमेंट है अबाउट डैश परसेंट ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। अभी हमने डिस्कस किया कि कितनी परसेंट हमारी पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रहती है, 70%। ठीक है, सो 70% को जो है वो आप टिक करें और यहाँ पर आप लिखें 70। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट द पॉपुलेशन ऑफ आर लार्ज विलेजेस इज अबाउट डैश थाउजेंड्स। आपके पास जो जो हमारे पॉपुलेशन है विलेजेस में रहने वाली वो कितनी है, 5000 है। ठीक है, 5000 है टोटल पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, और यहाँ पर आप 5 लिखेंगे ब्लैंक के अंदर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स आर, अब विलेजर्स का जो पेशा है या जो उनका प्रोफेशन है वो क्या होता है, फार्मिंग होता है। ठीक है, खेती बाड़ी जो करते हैं वो। नेक्स्ट वन है विलेज वुमेन, विलेज वुमेन डैश विलेज वुमन क्या करती हैं, फेच वाटर, पानी को तलाश करती हैं, देन पानी जो है वो लेकर आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, यहाँ पर लिखें फेच वाटर। द पंचायत वर्क्स फॉर द डैश ऑफ द पीपल, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, हाउस कंस्ट्रक्शन। सो पंचायत जो है वो वेलफेयर के लिए काम करती है, उनकी फलाह के लिए काम करती है, सो यहाँ पर लिखें वेलफेयर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग द लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है वो बेटा एक एक्सप्रेस करता है जस्ट एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन क्या है कि वो एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स हम चूज करते हैं उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे लाइक प्रेपोजिशंस होती हैं जो लाइन को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही जो है वो एक लिंकिंग वर्ब जो है वो कुछ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को जो है वो कंप्लीट करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द विलेजर्स डैश इन सिंपल हाउसेस, यहाँ पर आप जब लिव लिखेंगे इसका मतलब जो सब्जेक्ट है और जो सेंटेंस है उसको आपने कंप्लीट कर दिया बाय यूजिंग अ लिंकिंग वर्ब। द विलेजर्स लिव इन द सिंपल हाउसेस। नेक्स्ट वन है अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस। अहमद अब बेहतर है अपनी बीमारी से, पहले जब वो बीमार हुआ था उससे अब उसकी कंडीशन क्या है, बेहतर है। सो यहाँ पर आप लिखें इज़। ठीक है, अहमद इज़। थर्ड वन है इट डैश द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, इट हेल्प्स आएगा। ठीक है, नंबर थर्ड में लिखें हेल्प्स। याकूब्स यंगर ब्रदर डैश हिम रिजेंबल्स हिम, याकूब का जो यंगर ब्रदर है वो उसे रिजेंबल करता है, उसे मुशाबियत रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें रिजेंबल्स। द पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, सो यहाँ पर लिखें वर्क्स। नंबर सिक्स है माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, यहाँ पर आएगा वेर आर। होप्स कम ट्रू, ठीक है, यहाँ पर आएगा कम। सुमेरा इज टायर्ड, सुमेरा टायर्ड है, ठीक है, थकी हुई है, सुमेरा इज टायर्ड, थक गई, तो यहाँ पर आएगा इज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। प्रेपोजिशन क्या होता है कि वो एक रिलेशन शो करता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान, और जो है वो सेंटेंस को रिलेट करता है, उसको कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशंस को। जस्ट लाइक द काउस आर डैश इन द फील्ड, यहाँ पर आप इन लगाएंगे, गांव जो खेत हैं वहाँ पर गाय है, ठीक है, बहुत सारी गाय हैं, तो यहाँ पर इन लगाएंगे, खेत के अंदर हैं, तो अंदर के लिए हम जो है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, यू शुड स्टैंड बाय हर, तो यहाँ पर स्टैंड के साथ बाय हमेशा यूज़ होता है, याद रखना है स्टैंड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो बाय होती है, स्टैंड बाय। नंबर थ्री है ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, जब स्टिक के साथ जो है वो हमेशा विद आएगा, ठीक है, विद अ स्टिक होता है। आई नो नथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो यहाँ पर अबाउट आएगा। नेक्स्ट वन है द डॉग जम्प्ड ओवर द कार, जम्प्ड ओवर होता है, ठीक है, जम्प के साथ कौन से प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, चाइना जो है पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे है, सो यहाँ पर इन आएगा। सो बेटा आज का आपका ये वर्क था जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है, और नीट नोटबुक्स पर इसको लिखना भी है, नेक्स्ट फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।